नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ साजन मुकेश कुमार कैमरामैन के साथ। आज चांद प्रखंड में आए हुए हैं, कोनहारा गांव में, जो कि चांद पंचायत में पड़ता है। यहां के लोगों की क्या समस्या है इसके बारे में जानिए। आपका नाम? आपकी क्या समस्या है? समस्या तो हम के देखी रास्ता तो समस्या गली नहीं था, कहीं हम गाड़ी घोड़ा और रोड नहीं था, तो बेटी वही नहीं आवे जाए तो जाए वो हर तक चौरा उतरा रोडो लटका तो नहीं होना पूरा बदल रहा। जल नल का पानी मिलता है जी? जल नल का पानी? हाँ, नल का तो चमकिया लगल बा तो वह मिलल बस पानी जानी। और लोगों से जानिए यहाँ कहा के बात कट गई। आपका नाम? श्याम जराम। आप क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या तो इतना खराब है कि जहाँ के पूरा पंचायत में नहीं। यहाँ की समस्या न रोड है, बहुत बेटी उधर गाड़ी आएगी उधर चल जाएगी, कोई बीमार पड़ जाएगा तभी उसको खटिया पर तय कर ले जाना पड़ेगा रोड के साइड में, तब गाड़ी घोड़ा कोई सी मांग करके जाना पड़ता है। मुखिया जी से कोई शिकायत की है? बहुत बहुत शिकायत है, वो तो झांका नहीं आज तक से मुखिया जी से, झांका नहीं। यहाँ गली बनाया है, वहाँ बनाया है, मुखिया वार्ड सदस्य का भी वही हाल है। वो अपना मुखिया जी 12 लाख रुपए आया है, अपना गली बनवाया अपने दरवाजे पर और सब जगह उसी तरह रह गया। सचिव बना, सचिव अपना बनवा लिए, मुखिया के जो पीव है अपना और ही बनवा लिए, कमाल इसी से रब्बी के धारे में पड़ कर रह गया। और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कुछ यहाँ की समस्या के बारे में। आपका नाम? हरी लाल राम। क्या है यहाँ की समस्या? यहाँ की समस्या तो बहुत जटिल है। यहाँ जो है सामुदायिक भवन भी बना है, वहाँ काली स्थान है, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ की आज की स्थिति में जो है ठेहुन से ऊपर जल है, जाने आने के लिए परेशानी है। दूसरा अलावा कि बरसात भी होती हो तो बारिश का पानी भी निकलना मुश्किल हो जाता है। नल है, नल नाली है, न कोई व्यवस्था है, बहुत समस्या जटिल है यहाँ की। और आगे क्या करें, इसी से वाणी समाप्त होती है। यहाँ के लोगों की समस्या है जो गली नहीं है, बिछा हुआ है और आगे सब बन गया है, ढलाई नहीं हुआ है। धन्यवाद।